हाय, वेलकम टू बिंग इंग्लिश क्लासेस। और बहुत दिन के बाद मैं आपके सामने में आया हूँ। मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस में। जैसे कि मैं हमेशा अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हमेशा मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश सीखो, क्योंकि इंग्लिश को अपना हथियार बनाओ। इंग्लिश को मैं जैसे इंग्लिश में हमेशा कहा करता हूँ, मेरे बच्चों को पता होगा, मेरे स्टूडेंट्स को पता होगा कि मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ कि मेक इंग्लिश एज योर वेपन। तो मेरा अक्सर ऐसा बोलने का मतलब क्या है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ इसके बारे में, मेक इंग्लिश एज योर वेपन का मतलब होता है कि इंग्लिश को अपना हथियार बनाओ। उस तरीके का हथियार नहीं जैसे जैसे कि लोगों के पास होते हैं वॉयलेंस को बढ़ावा देने के लिए। मैं अक्सर ये हथियार की बात कर रहा हूँ जिसे आप जब इस्तेमाल करोगे तो सामने वाला आपसे इम्प्रेस होए बगैर रहा नहीं जाएगा, यानी वो आपसे इम्प्रेस हो ही जाएगा। तो मेरे ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जहाँ पर मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करके मैंने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं। ज़्यादातर जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं वहाँ पर मैं इंग्लिश बोलता हूँ। जब मेरा काम नहीं होता है तो मैं इंग्लिश में बोलकर मैं अपना काम करा लेता हूँ। तो इंग्लिश बोलने से एक अलग इम्प्रेशन होता है लोगों के सामने और अपनी एक अलग अलग इमेज बनती है इंग्लिश। और शायद ही इसीलिए इस दुनिया में सारे के सारे लोग इंग्लिश के पीछे दौड़ रहे हैं इंग्लिश सीखने के लिए। लेकिन एक चीज़ मुझे जो बहुत बुरी लगती है वो है कि इंग्लिश को ठीक से सिखाया नहीं जाता जिस तरह से सीखना चाहिए, जिस तरह से सिखाया जाना चाहिए। मेरे पिछले वीडियोस में आप देख सकते हो कि मैंने दो इम्पोर्टेंट वीडियोस मैंने बनाए हैं जिसके ऊपर ट्रांसलेशन, और एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया कि आपको इंग्लिश किसी और लैंग्वेज में नहीं सीखना चाहिए। तो वो सारे वीडियोस आप देख सकते हो तो आपको कुछ नॉलेज मिल जाएगा, कुछ आइडिया मिल जाएगा मेरे ये सारे वीडियोस के बारे में। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है आज के ज़माने में। हाँ, नो डाउट कि आप अपनी लैंग्वेज को बढ़ावा दे सकते हो, अपनी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दे सकते हो, यानी कि अपनी जो मदर टंग होती है या अपनी जो रीजनल लैंग्वेज होती है अब वो सीखते सीखते आप चाहो तो इंग्लिश को भी सीख सकते हो और इंग्लिश बोलकर अपने एक अलग पहचान बना सकते हो लोगों के बीच। तो इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूँगा। फिलहाल आज के लिए आज मैं जो बात करना चाह रहा था वो है इंग्लिश के बारे में ही, कि इंग्लिश को कैसे आप इस्तेमाल करके, मतलब इंग्लिश की इम्पोर्टेंस बताना चाहता कि इंग्लिश को कैसे आप इस्तेमाल करके लोगों के सामने अपनी एक अलग से इमेज बना सकते हो। और ख़ासकर जब गवर्नमेंट ऑफिसेज में आप जब जाओगे तो आपको ये इंग्लिश बहुत काम में आने वाली है। जैसे कि लेटर राइटिंग हो गया, कुछ लेटर लिखना हो तो आप इंग्लिश में लिखकर किसी ऑफिसर को इम्प्रेस कर सकते हो। तो उस ऑफिसर को एक अलग से इमेज बनती है आपकी कि हाँ, ये कोई जो बंदा है, ये जो भी है मेरे सामने, जो कोई कुछ ना कुछ तो होगा, अगर ये इंग्लिश जानता है तो ये एजुकेटेड है, राइट। तो ऐसे मेरे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर मैंने बताया था कि आपको कि मेरे इंग्लिश सीखने की वजह से कितने सारे फ़ायदे हुए। अगर आपको वो जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताकर आप मुझे पूछ सकते हो। तो उसका अलग से एक वीडियो बनाकर मैं आपको भेज दूँगा, यूट्यूब पर मैं अपलोड कर दूँगा। और मैं और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप जितना मुझे सब्सक्राइब कर बढ़ावा दोगे तो उतना मेरे लिए बहुत काफ़ी अच्छा होगा। तो चलिए, आज के लिए मैं इतना ही आपसे बात करना चाहता था। मैं और एक नया वीडियो के साथ में आऊँगा बहुत जल्द। और देखते रहिए बिंग इंग्लिश क्लासेस के सारे वीडियोस, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि वो भी सीख सके कुछ इंग्लिश।